सरकार की मनमानी नहीं चलेगा। ड्राफ्ट प्रपोजल को तो रिजेक्ट करके रैली हो रहा है और 8 तारीख में मीटिंग है और इसके लिए असेंबली ऑफ अवेयरनेस जो अथॉरिटी के लिए अवेयरनेस है और 8 तारीख में अरुणाचल प्रोटेक्ट के लिए ड्राफ्ट नहीं बनाया जाएगा। हम बोलेगा तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग जो है डिसीजन लेके रखा है क्या करना चाहिए। आज 5 तारीख है और इंतर अरुणाचल में प्रोटेस्ट हो रहा है अब शुरू जो है और हम लोग के लिए ये एक बहुत और एक पीसफुल वे में हम लोग ट्राई कर रहा है। अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का जो कमिटी बनाया होता अगर इसको इग्नोरेंस करता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज देयर और हम लोग जो समझता है कि हर एक चीज को पीस में निकल और हर एक चीज को जो है सोच के पॉलिसी बनाना चाहिए लेकिन लास्ट में तरफ एक निकला था इसमें हम लोग नहीं देने के लिए बात किया लेकिन हम लोग का जो कमिश्नर मैडम है नारिका राय जी ने उसको उल्टा अरुणाचल राइट को देने के लिए किया गया था तो आज हम पता चला कि अगर एक चोर को अगर कई जगह में रेस्पॉन्सिबल देगा तो चोरी निकलेगा। एक आउटसाइडर को जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी में अथॉरिटी दिया गया है तो इस तरीका से वो कभी भी हम लोग प्रेशर है तो हम लोग जो चाहते हैं कि अगर देना है इंडिजिनस किसी को दे देना है रेस्पॉन्सिबल ये था हम लोग का इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए बनाया था लेकिन अभी तो वही ओवरस्प्रिंग को देने के लिए कमिटी जो है रिकमेंड किया वाला जैसे हो गया तो क्योंकि लास्ट टाइम का ड्राफ्ट निकला है उसमें उल्टा ओवरस्प्रिंग को जो राइट देने के लिए ड्राफ्ट करता है तो इसे कमिटी को मैं क्या करूँ। मैं भी खुद कमिटी में जब ड्राफ्टिंग करता है जब ड्राफ्ट आउट करता है इसमें जो है सबको जो बिता ये करना चाहिए था तो हम लोग का कमिश्नर मैडम जो अकेला करता है अकेला निकल लेता है और हम लोग का चेयरमैन जो है ओवरस्प्रिंग कमिटी का चेयरमैन इतना तक मैं तो चाहता हूँ आज मीडिया से इतना तक कमजोर नहीं होना है क्योंकि आप तो इंडिजिनस हैं आप तो मंत्री है अरुणाचल के आप तो अरुणाचल का भविष्य को आप भी तैयारी करना चाहिए आप भी सेव करना चाहिए। एक आपका एक कर्मचारी का एक इसमें कर्मचारी का आगे में क्यों झुकता है ये मेरा सवाल है। इतना तो कमजोर नहीं होना है मंत्री जो साहब कम से कम 8 से 10 अरुणाचल इंडिजिनियस जनता है कम से कम 10 लाख अरुणाचल में इंडिजिनियस लोग हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे। आप 10 लाख नहीं है ऑलमोस्ट हम लोग 20 लाख पहुँचने वाले हैं। हम लोग यहाँ में ऑलमोस्ट सेंसियस को अच्छा नहीं बनता है अरुणाचल में आदमी का कमी नहीं है लेकिन ये लोग मेरा संदेश है हर कोई अपना घर घर में अभी रेडी होना है। अगर घर घर में ओवरस्प्रिंग है तो उसको अभी समझाना चाहिए नेगेटिव मत करो और आप अपना राइट में जियो अपना ये जो है पिताजी का जो है सुरनाम लेना चाहिए टाइटल जो लेना चाहिए और हर एक इंडिजिनस जो है इस स्टैंड में होना इस ये में खड़ा होना चाहिए कि अपना बच्चा बेटा हो बेटी हो कोई भी अगर बाहर जाता है और कोई बेटी बाहर जाता है बाहर से शादी करता है उसका समझाना है नेगेटिव नहीं देना है आखिरकार आप लगती है कोई स्टूडेंट लीडर लोग त्रिपुरा का एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन होने वाला है क्या है ये स्टूडेंट अकेला का नहीं है और आप सुए से प्रोटेक्टर हमेशा अरुणाचल के लिए आप सु आगे रहा है हमेशा बच्चा के आया है यही एक आखिरी था हम लोग इंटरनल में ही मैंने एक कीड़ा का तरह फैल रहा था इसको हम लोग जस्ट कीड़ा को हम लोग पकड़ना है उसको फेंकना है बस वही है बाकी बात हम लोग जो है यहाँ में ऑल ओवर इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड का आदमी आज पीसफुल है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वेलकम है अगर किसी को अच्छा लगता है तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए ओवरस्प्रिंग भी जो हम लोग का बेटा है जो बेटी है
जिसका फादर जो है नॉन ट्राइबल है, वो अपना एसटी सरेंडर करना चाहिए, अपना जाकर परमानेंट प्रॉपर्टी को बेच के जाना चाहिए। ये मेरा अपील है और ये अच्छी तरह जानता है कि ये बहुत आगे बढ़ने वाला है इशू है, ऑफस्प्रिंग इशू, हम लोग शॉर्ट में ऑफस्प्रिंग इशू हम लोग कहते हैं। लेकिन जब हम लोग जब देखता है तो ये एक ये है जो ऑफस्प्रिंग है, इसका जो मतलब है, हम लोग जो ऑफस्प्रिंग हम लोग जो कह रहा है, इसका मतलब ये है कि अवर जो सिस्टर्स एंड मदर्स हु आर मैरिड टू नॉन ए पी एस टी सिस्टर्स एंड मदर्स हु आर मैरिड टू नॉन APST, उन लोग अपना जो बच्चा है जो ऑफस्प्रिंग है उसको उन लोग ट्राइबल का जो टाइटल दे रहा है, दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरनल इम्प्लोजन। एक ये बहुत बड़ा ये है साइलेंट एक खतरा, एक वायरस थे एक ट्राइबल सोसाइटी के लिए, बिकॉज द एज ऑल ऑफ यू नो आज हम सब जानता है हमारा एक प्योरली ट्राइबल स्टेट है और यहाँ बहुत सा कानून ये है चल रहा है, रेगुलेशन है, BFR 1873 है, चेंज इन सेक्टर, तो ऐसा बहुत सा कानून है। तो इसका विपरीत में ये जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है बहुत सालों से, तो इसको लेते हुए हम लोग ने 2018 को हम लोग ने एक कंसल्टेटिव मीटिंग बताया सारा अरुणाचल का जितना भी जनजाति का यहाँ CBOs है, एपेक्स कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोग का, और उन लोगों ने आपसू को एंडोर्स किया कि इसको लेकर आप स्टेट गवर्नमेंट को बात कीजिए। तो हम लोग ने वो जो कंसल्टेटिव मीटिंग का आउटकम को लेकर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से 2-3 दफ़ा मिला, तो उसके बाद उन्होंने हमारे परसिस्टेंटली कहने के बावजूद बाद में उन्होंने ये एक ज्वाइंट हाउस पावर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री आलो लिबांग जी ऑनरेबल मिनिस्टर से जाता, और उसका मेंबर सेक्रेटरी है मैडम निहारिका राय, और उसमें इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक ऑल पार्टी एक वो है कमिटी है, उसमें बहुत सारा MLAs है एंड देन अरुणाचल प्रदेश का हमारे वुमेन कमीशन भी है। तो उसका गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और ये काफ़ी देर सा 2 साल ऑलमोस्ट हो गया अभी इसको लेकर, तो इसमें कोई कॉन्क्रीट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोग हर मीटिंग में हर बार हम लोग जब भी बैठक होता है हम लोग बोलते हैं कि एक कॉन्क्रीट एक ड्राफ्ट प्रपोजल चाहिए हम लोगों को। तो लास्ट में हम लोगों ने जगह जब पोर्ट सिटी हुआ तो एक सजेता से एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया, तो उसको हम लोग ने माइन्यूटली पढ़ के देखा तो आउट रियली यू रिजेक्टेड दैट बिकॉज इट वॉज एन टूटलेस ये था एक वो एक टूटलेस ये था ड्राफ्ट प्रपोजल था, उसमें हम लोगों के लिए ट्राइबल सोसाइटी के लिए हम लोगों का जो मांग है उसके लिए कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और उसका रिजेक्ट करने के बाद हम लोग ने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया सजेता डिपार्टमेंट को, खासकर मतलब अरुणाचल प्रदेश को, और उसका बाद में तो ये लास्ट 29 को मीटिंग रखा था उन लोगों ने, तो हम सब तैयार था, 29 को मीटिंग था, हम लोग सब तैयार रहा, फिर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन लास्ट मोमेंट में जो 29 का जो मीटिंग था उसको कैंसिल कर दिया, फिर उन लोगों ने 1 अक्टूबर का जो ये 1 अक्टूबर का एक डेट फिर दिया, तो हम लोग फिर तैयार हो गया, हम लोग रेडी था 1 अक्टूबर को हम लोग को मिलना है, तो फिर देखा तो 1 अक्टूबर को भी उन लोग कैंसिल करके 8 अक्टूबर आ गया। सो जितना भी ये डेवलपमेंट है उससे हम लोग देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट एंड द सजेता डिपार्टमेंट इज नॉट सीरियस ऑन द इशू। तो आज का ये फर्स्ट फेज है, ये एक पीसफुल एक पीस रैली है और सिर्फ इन प्रोटेस्ट अक्रॉस द स्टेट है, लेकिन आज का बात अगर स्टेट गवर्नमेंट का और सजेता डिपार्टमेंट का अगर आग नहीं खोलेगा तो जो सेकेंड फेज थर्ड फेज होगा वो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सजेता डिपार्टमेंट विल सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट इन फ्यूचर। अगला तारीख का इंतजार नहीं करते हुए आप लोगों ने सड़क पर उतर गया, तो नहीं लग रहा 2 दिन का इंतजार में शायद हो सकता है क्या? देखिए आज का तो डिसीजन जस्ट एन सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ये अपना आक्रोश को जताने के लिए एक डेमोक्रेटिक वे में, तो इसमें कोई वो नहीं है। 2 दिन हम लोग जानते हैं 2 दिन है, लेकिन हम लोग जानते हैं अंदर कमेटी में बैठ कर की जो जिस प्रकार का जो एटीट्यूड रख रहा है, तो इसको ये एक जैसे आज का एक सिंबॉलिक पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट दिस इज द कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, जो आज का आज हम लोग ये दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को एक पीसफुल वे में कि आप ये जो इशू है ऑफस्प्रिंग जो इशू है इसके ऊपर में आप मनमानी नहीं कर सकता है, आप इसको सीरियस लेना पड़ेगा, 2 साल हो गया है, आज का बात अगर होगा तो मैंने जैसे पहले कहा है द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी स्टेट गवर्नमेंट एंड द सजेता डिपार्टमेंट। जरूर आना पड़ेगा उसको कॉन्क्रीट आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत सा प्रोसीड्यूर्स होता है, ये हम लोगों को एक रिकमेंडिंग हम लोग एक ये है कमिटी है, तो उसका बाद तो फिर लॉ मीटिंग होगा, फिर कैबिनेट जाएगा,
फिर असेंबली जाएगा, तो एक लंबा प्रोसेस है। हम लोग को देख रहा है तारीख पे तारीख जो आपने पूछा है, तारीख पे तारीख करके जो दिल्ली दिलिंग टिक से ये गुमराह करके ये इशू को ठंडा करने का हम लोग ऐसा मन बना रहा है, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस, दे आर इनसिंशियर, दे आर ट्राइंग टू दिल्ली डेले दिस इशू। तो क्योंकि यू नो आपसू का भी एक टेन्यूर सिस्टम में लीडर्स भी चेंज होगा, फिर बाद में कई कौन इस तरह से चले ना जाए, तो इसलिए एक कॉन्क्रीट टाइम बोन का साथ आज हम लोग निकल रहा है, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा इसके ऊपर में। आपसू को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मर स्टूडेंट लीडर भी हूं और एज वेल एज मैं प्रेसिडेंट आनिया भी हूं, तो इसीलिए ये एक सारा समाज का ये स्टेट का इशू है, तो हम लोग एक यह समाज का समाज का लीडर होने के नाते ये सब आपसू का इशू नहीं है, ये सारा जनता का सारा अरुणाचल का इशू है। तो आपसू लोग जो आज जो पैद कर रहा है तो हमारा समाज के लिए पैद कर रहा है, हमारा जो इसलिए अरुणाचल के लिए पैद कर रहा है, तो इसी के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ यहाँ। गवर्नमेंट के साथ में कोई बात हुआ था आप लोगों का? ये देखिए गवर्नमेंट का साथ में ऑलरेडी उन लोगों ने टॉकिंग पॉइंट बना के ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, लेकिन आपसू ने रिजेक्ट किया कि उनका जो ड्राफ्ट को उन लोग रिजेक्ट किया है, तो इसलिए किया है कि ताकि उसका फोन जो कुछ ना कुछ लेकुना है प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग रिजेक्ट किया, इसलिए हम सब भी रिजेक्ट करके आपसू रिजेक्ट किया, हम लोग इसे सपोर्ट करने के लिए आया थे। मॉर्निंग इशू है, हर कोई इसको पार्टिसिपेट करना है। मुद्दा तो आपको मालूम है ना दो दुम साहब? हाँ बिल्कुल मालूम है, ये घर घर का मुद्दा बन चुका है ये। तो आप क्या संदेश देंगे, आप भी एक स्टूडेंट लीडर हैं? मेरा तरफ से ये संदेश है कि दिस टाइम हम लोग आपसू का साथ फुल स्टैंड है, और कोई भी इशू को या मैं सरगेट करके या मैं मेरा अन्य प्रेसिडेंट भी है, कोई भी इशू होने से हम लोग मिलजुल के हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी जितना एक साथ ही हमेशा वर्कआउट करते हैं, हम लोग का स्टूडेंट जितना भी लीडर है, जितना भी स्टूडेंट जो ये वाला सोशल मेहनत वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग पूरी साथ दे रहे हैं, यही है हम लोग की तरफ से। गवर्नमेंट को पार्शल करने में कोई दिक्कत हुआ लगता है, इसलिए आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ गया क्या? एग्जैक्टली गवर्नमेंट को पार्शल करने में दिक्कत हुआ इसलिए सड़क पर आया, क्योंकि ये सब चीज़ को एग्जैक्टली एलाबोरेट कर सकेगा हमारा आप सुपर प्रेसिडेंट कर सकेगा, और हम लोग को भी नॉलेज में ये है कि जितना हमारा टाइम दिया है ऑन टाइम ये लोग गवर्नमेंट को वर्कआउट नहीं किया, इसलिए हम लोग भी साथ दे रहे हैं। आगे का क्या कार्रवाई रहेगा, क्योंकि आपसू तो आगे बढ़ते जाएगा बोला? ये जो आपसू का जो इसमें कोई भी इशू में देखिए, कोई भी एक मोडस ऑपरेंडी होता है, इसमें आप पहले वर्कआउट करना पड़ता है, अगर उसका मुताबिक वर्कआउट नहीं करेगा तो कल आज बोल के भी नहीं, कल को आपका बंद कॉल बोलो, कुछ भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, जितना भी आगे होगा हम लोग आंसू हमेशा साथ रहेगा। मतलब सरकार को साथ देना चाहिए, इशू को रिजोल्व करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये सरकार भी पीपल्स है, वेलफेयर सरकार है, और ये आंसू आपसू जितना अन्य जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी पब्लिक का हित में ही काम करेगा। थैंक यू।
निकल रहा हूँ, मैं आकाश दीप में निकल रहा हूँ।
निकल रहा हूँ, मैं 28 दिन में निकल रहा हूँ।